पांच सूत्री मांगों को लेकर पिछले 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन और गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि पूरे भारत में ट्रक यूनियन हड़ताल पर है, जल्दी हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो हम भी महानगर में विरोध प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर संरक्षण गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शत्रुघ्न यादव, संयोजक उमा शंकर, अध्यक्ष आर के तिवारी, मनीष सिंह, अब्दुल रशीद, कमलेश पांडे सहित अन्य ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उपाध्यक्ष गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मनीष सिंह ने कहा, केंद्र सरकार होश में आओ, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष कुमार सिंह, गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष। आज हम लोगों के इस हड़ताल चक्का जाम का सातवां दिन है। केंद्र सरकार से हमारी एक दो बार वार्ता हुई, लेकिन आश्वासनों के सिवा हमारे शीर्ष संगठन को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है और आश्वासन पर इस बार हम लोग अपना हड़ताल वापस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2015 में जब हमने हड़ताल किया था, अक्टूबर का महीना था और केंद्र सरकार ने कहा था कि 15 दिसंबर तक एक कमेटी बनाकर आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, अधिक से अधिक आपको राहत देने का काम किया जाएगा, परंतु केंद्र सरकार ने उस समय धोखेबाजी की, हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन को गुमराह किया। इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये सोचा है कि इस बार जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम किसी भी स्वरूप में अपना हड़ताल वापस लेंगे। और हम लोगों ने धीरे धीरे आंदोलन उग्र कर दिया है, अन्य जिलों में तोड़फोड़ हो रही है, गोरखपुर में भी संभावनाएं ठीक नहीं है। मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी अपना हठधर्मी रवैया छोड़कर हमारे शीर्ष संगठन को संतुष्ट करे और इस आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, क्योंकि जनता के बीच में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जाए। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम टोल फ्री भारत बनाएंगे, हम चाहते हैं अपना वादा याद रखें और भारत के सभी सड़कों से टोल बैरियर को हटा लें, क्योंकि टोल बैरियर नेताओं के लिए एक अवैध लूट का जरिया बन गया है, जिससे करोड़ों रुपए की उगाही हो रही है। और हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल में राहत दिया जाए, क्लर्कियल मिस्टेक होने पर है भी जुर्माना लिया जा रहा है और ट्रांसपोर्टरों का जगह जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं इसे तुरंत प्रभाव से इसे समाप्त किया जाए।